सो कैसे दोस्तों, आइए आप सब बढ़िया हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने फ़ोन को आईफोन में कन्वर्ट। जी हाँ, MIUI 2 iOS का पार्ट 9 या 8 आ चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। अब ये प्रॉपर आईफोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपके फोन में यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्किंग करेंगी। कंट्रोल सेंटर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा होम स्क्रीन पे। एंड जो प्रॉपर सेटिंग या सिस्टम UI का लुक है वो आईफोन जैसा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाली है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस टाइम यहाँ पे आपको ब्लर वॉलपेपर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। डायनेमिक आइलैंड यहाँ पे भी दिया गया है, जो कि आप लोग इसको यहाँ पे यूज कर पाओगे। डेप्थ इफेक्ट है एंड और भी इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ या चैनल को भी सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखोगे कुछ फीचर्स मैं बताऊं तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायनेमिक आइलैंड आपकी होम स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर iOS के बैटरी आइकन देखने को मिल जाएंगे। है ना, देखो ये iOS 17 है, तो आप लोगों को iOS 17 का मैंने वॉलपेपर भी प्रोवाइड करें, जाकर आप लोग टेलीग्राम से चेकआउट कर सकते हो। एंड ये iOS 17 के सारे वॉलपेपर मैं आप लोगों को वहाँ पे दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। यहाँ पे ग्रीन वाला वॉलपेपर iOS 16 का था, इस वजह से iOS 17 का न्यू वॉलपेपर मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो सिस्टम UI अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ, तो अगर आप लोगों ने कभी MI वाला यहाँ पे Xiaomi के फ़ोन में आईफोन वाला थीम कभी यूज़ किया होगा तो प्रॉपर वो ऐसे ही रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चेंजेस मैं बता देता हूँ कि ये सारे जो टॉगल है ये आईफोन जैसे नहीं है, क्योंकि आईफोन के अगर हम लगाते हैं तो थीम पे कॉपीराइट पड़ जाता है एंड वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो बस थोड़े से अपग्रेड ये बोल सकते हो, थोड़े मॉडिफाइड कर दिए गए हैं, जो कि एकदम आईफोन जैसे भी ना लगे एंड एकदम आईफोन वाली वाइब भी आए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। इसको यूज़ करोगे तो प्रॉपर आईफोन वाली वाइब आती है। एंड अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा किस तरीके से आपको प्रॉपर इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो लुक देखने को मिलते हैं वो सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाएंगी। एंड साथ ही साथ जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस बार लोकेशन में आपको यहाँ पे जो ब्लर वॉलपेपर है वो देख सकते हो, ब्लर वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टर के ऊपर। यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली में वर्क कर रहा है। एंड डेप्थ इफेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे वर्क करता ही है, जो कि आप लोकेशन पे देख भी सकते हो, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल करता हूँ। एंड आपको मैं MIUI 2 iOS के पार्ट 7 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो देखो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि सारी कस्टमाइजेशन ऑलमोस्ट सेम सी होती है। तो आप लोग जाके उन वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगी उनके मैं आई बटन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, क्योंकि कुछ कस्टमाइजेशन इस वाले यहाँ पे वीडियो में थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि एज रेगुलर जो हम थीम यूज किया करते थे वो अब थीम स्टोर पर नहीं रहे हैं, तो सारे न्यू थीम आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा चेंज होगा कस्टमाइजेशन में, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कौन सी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कौन सी वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन पे शो रहा होगा, जाकर आप लोग पूरा उनको वॉच आउट करना। तो मैं अपने डिवाइस को करता हूँ नॉर्मल एंड फिर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या कस्टमाइज। डिवाइस जो एकदम नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्लॉक यहाँ पे ऐड कर लेना, इस तरीके से जो भी आप लोगों को अगर और एक्स्ट्रा विजिट चाहिए तो यहाँ पे क्लॉक ऐड कर सकते हो। अब क्या करना, थीम स्टोर ओपन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो एक थीम देखने को मिलेगा AP14 करके, इस थीम को डाउनलोड करना, कस्टमाइज पे क्लिक करना, सिस्टम पे सिलेक्ट करना एंड अप्लाई कर देना। अब जैसे आप इसको सिस्टम पे अप्लाई करोगे आपका सिस्टम UI चेंज होगा अच्छी तरीके से। बैक करना, बैक करने के बाद अब यहाँ पे देखो जो मिकी थीम आपको देखने को मिलेगा, इस थीम को आपको डाउनलोड करके अपने फोन में सेव रखना है। सेव रखने के बाद सेकंड थीम होगा आपका इस नाम के साथ, आप लोगों को ये वाला थीम देखने को मिलेगा, इसको यहाँ पे डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद कस्टमाइज होम स्क्रीन पर सिलेक्ट करना, यहाँ पे इसको सिर्फ आपको होम स्क्रीन पे अप्लाई करना है, अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद बैक करना है, यहाँ पे एक और थीम सर्च करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपका होने वाला है M14V14, जो कि आप लोगों को इस थीम को यहाँ पे डाउनलोड करना होगा अपने डिवाइस में अच्छी तरीके से। तो इस थीम के हमको यहाँ पे चाहिए होगी लोकेशन, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना अपनी लोकेशन पे। लोकेशन पे सर्च करने के बाद अब आपको एक इंटरेस्टिंग थीम सर्च करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। आना अपने होम पे, यहाँ पे इस तरीके से आपको सर्च करना। अब यहाँ पे SONI आपको सर्च करना होगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से सर्च करना, टैप करना, फर्स्ट थीम आएगा ओप्पो को यहाँ पे कुछ इस तरीके का नाम करके टैप करना, डिजाइनर का अकाउंट खोलना, टैप करना। यहाँ पे देखो आपको एक थीम देखने को मिलेगा रियल iOX 13 डुअल, इस थीम को भी आप लोगों को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद सिर्फ हमको इसके आइकन चाहिए और हमको इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे थीम जो iOS 13 पे यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन iOS 13 काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है तो उस लुक पे नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ कस्टमाइज हो जाती है, बस ये सारे थीम थे जो कि आपको डाउनलोड करने हैं। अब डाउनलोड करने के बाद अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो इजी क्लॉक देखने को मिलेगी, इसको यहाँ पे रिमूव करना अपनी मेन होम स्क्रीन से, पिंच आउट करके विजिट वाले सेक्शन पर टैप करना। एंड यहाँ पे देखो आपको एक क्लॉक देखने को मिलेगी, जो कि M14V14 वाले थीम की होगी, इसको टैप करके आपको ये वाली क्लॉक लानी है। अगर आपको अपनी होम स्क्रीन या मेन होम स्क्रीन पे आपको अगर डायनेमिक आइलैंड चाहिए तो आपको यही क्लॉक यहाँ पे यूज करनी होगी।
अब यहाँ पे क्या क्लिक करना, मल्टी कंपोनेंट पे सेलेक्ट करके इसको इस तरीके से ऑन कर देना, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना, थोड़ा सा राइट कर देना, डन करना, ओके कर देना। अब यहाँ पे देखो विजिट आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देखो ये विजिट आपको देखने को मिल जाएगी, तो बीच वाले को क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से इसको ऑन कर देना, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी एंड और भी इंटरेस्टिंग आपको लुक प्रोवाइड करेगी। अब देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने वॉलपेपर के लिंक दिए हैं, तो आप लोग जाकर वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो। अब जो वॉलपेपर है वो थोड़े से इस बार फाइल के रूप में नहीं होने वाले लोकेशन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुनते चलो, क्योंकि लोकेशन थोड़ी अलग हो चुकी है, तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये वॉलपेपर यूज़ करना चाहते हो तो ये यूज़ करना, ये यूज़ करना चाहते हो तो ये यूज़ करना। ये दो iOS 17 के, ये iOS 16 का देखने को मिलता है, तो मैं इसको यहाँ पे प्रेफर करूँगा, ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। सेट टू एस टू वॉलपेपर अपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपनी होम स्क्रीन पर सेलेक्ट करके एस टू होम स्क्रीन अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आऊँगा मैं अपनी होम स्क्रीन पर, देखो होम स्क्रीन जो हमारी परफेक्टली रेडी हो जाएगी। एंड देखो एक चीज़ और रिमेंबर कि ये जितनी भी यहाँ पे क्लॉक वाली विजिट है ये सबसे लास्ट में करना सेटअप, क्योंकि बार बार जब आप कोई भी चीज चेंज करोगे ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल इस तरीके के लुक में आ जाएगी, तो हम एट द लास्ट में इसको यहाँ पे सेट करेंगे। अब देखो क्या करना होगा, अब आते हैं मेनली जो लोकेशन की कस्टमाइजेशन है। अब देखो लोकेशन की कस्टमाइजेशन के लिए मैंने आई बटन पे एक वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा इसमें कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। एंड वीडियो ऑलमोस्ट 8 मिनट या 7 मिनट की कंप्लीट हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। टैप एंड होल्ड करो स्क्रीन पे, आपको कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर टैप करना है। यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन है जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ, तो देखो यहाँ पे आपको क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से आप क्लॉक का स्टाइल चेंज कर सकते हो। बीच वाले यहाँ पे लिमिटेड क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डार्क या लाइट आप लोग अपने कलर को कर सकते हो। एंड कुछ तरीके के लुक देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सारे ये जो फीचर हैं इन सब के बारे में मैंने उस वाली वीडियो में बताया जो कि आई बटन पे आपको शो हो रही होगी, तो जाकर उस वीडियो को देख लेना। सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा म्यूजिक स्टाइल, यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन के टैप करके म्यूजिक स्टाइल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे स्मार्ट पे टैप करना, आपका लाउड होगा, स्मार्ट पे टैप करना, आगे चलना। आगे चलने के बाद यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर इमेज, अब वॉलपेपर इमेज पे क्लिक करने के बाद आपका जो वॉलपेपर होगा वो नॉर्मली कुछ इस तरीके के वॉलपेपर के साथ आएगा, तो टैप करना है। यहाँ पे देखो मैं टैप एंड होल्ड करता हूँ, टैप एंड होल्ड करने के बाद कस्टमाइज पर हम जाएंगे, तो यहाँ पे देखो वॉलपेपर पे आपको वॉलपेपर इमेज पे सेलेक्ट करना, फिर कस्टम थ्री वाले पे सेलेक्ट करना होगा जो कि आपका कस्टम वॉलपेपर अप्लाई होंगे। एंड यहाँ पे देखो अब मेनली जो चीज़ है वो मैं दिखाता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो ओपन नहीं होंगी, आपके यहाँ पे सब कुछ क्लोज होगा जो कि आपको इस तरीके का लुक के साथ देखने को मिलेगा। अब देखो जो वॉलपेपर है उसका बैकग्राउंड आप लोग यहाँ पे देखो, कुछ इस तरीके का यहाँ पे वॉलपेपर का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। अब अगर इसको ब्लर में यूज़ करना चाहते हो, अब ब्लर में भी दो मोड दिए गए, एक लाइट मोड है एक डार्क मोड। टैप एंड होल्ड कस्टम वॉलपेपर वाले सेक्शन पर आना, यहाँ पे देखो ब्लर वॉलपेपर का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें कि आपका जो वॉलपेपर है देखो बैकग्राउंड जो पूरा ब्लर हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का एकदम ट्रेंजी लुक आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड ये सारे ही वॉलपेपर में वर्क करेगा। अब देखो यहाँ पे डार्क, अगर आप लोग इसके बैकग्राउंड को डार्क करना चाहते हो, तो देखो ये बैकग्राउंड जो डार्क हो चुका है जो कि इंटरेस्टिंग लगता है, इंटरेस्टिंग आप लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको डार्क नहीं पसंद, आप और भी ब्राइट करना चाहते हो, तो देखो लाइट वाला ऑप्शन दिया गया, जिससे कि आपका जो वॉलपेपर है एकदम लाइट अप हो जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है ये भी। एंड इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कस्टमाइज पर टैप करके, अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो डोंट यूज पे क्लिक कर दो एंड वॉलपेपर क्लोज, यहाँ पे जो ब्लर है वो क्लोज हो जाएगा। इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो अगर आपका जो पंचोल है वो लेफ्ट या राइट है, तो आप 11 सीरीज को टैप कर देना, नहीं तो 12 सीरीज को टैप कर देना। नॉर्मली आप लोगों का अगर मिड में है सेंटर में कैमरा है, तो 12 सीरीज पर आपको टैप रखना होगा, तभी आपका फोन में यहाँ पर वर्किंग होगा। एंड यहाँ पे देखो स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन टैप कर देना। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हो यहाँ पे ये जो आइकन है ये आपको इनेबल करने होंगे, जो कि इस तरीके से नहीं, आपके नॉर्मली एक कैमरे का आइकन शो होगा। तो क्या करना, देखो यहाँ पे बिग आइकन पे टैप करना, बिग आइकन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से एक ही आइकन शो करेगा। जैसे आप बिग आइकन पे टैप करोगे, यहाँ पे देखो स्मॉल आइकन, बिग आइकन पे टैप करने के बाद यहाँ पे डार्क एक देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डार्क कलर, तो डार्क जैसे आप कलर पर टैप करोगे तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड कस्टमाइजेशन डन हो जाती है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट आया होगा कि भाई इसका जो बैकग्राउंड वॉलपेपर है यानी कि जो वॉलपेपर है, हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए फोन को अनलॉक करना, थीम स्टोर ओपन करना, लॉक शेल नीचे एक कस्टमाइज का बटन होगा, स्पीड टैप करना। स्पीड टैप करने के बाद यहाँ पे देखो कोई पासवर्ड वासवर्ड की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड पासवर्ड है। टैप करना, नीचे स्क्रॉल करके आना, पैरेलेक्स वॉलपेपर सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है छोटी सी कि आपको इसमें जब भी वॉलपेपर चेंज करना होगा तो आप लोग सिंगल वॉलपेपर ही सेट कर सकते हो, कोई फाइल नहीं लगती इसमें, सिर्फ सिंगल सिंगल वॉलपेपर लगती है। तो देखो लोअर लेवल टू कस्टम वॉलपेपर, अब यहाँ पे टैप करो, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब वॉलपेपर पे टैप करना, यहाँ पे जितने भी वॉलपेपर है ये शो हो रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा,
जो कि आपका वॉलपेपर है, जैसे यहाँ पे जो कंप्लीट वॉलपेपर है उसको सिलेक्ट करना है, जो कि जेपीजी फाइल होता है, कंप्लीट वॉलपेपर का आपको सिलेक्ट करना है। अब अपर वाले वॉलपेपर में आपको उस वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जो कि आपका पीएनजी फाइल होता है। तो यहाँ पे देखो गैलरी पे जाना। अब देखो यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड, यहाँ पे देखो इसका बैकग्राउंड था लेकिन इस वॉलपेपर का जो बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। एंड इस तरीके से यहाँ पे इजिली बस आपको यहाँ पे आ जाना है अपनी लोकेशन पे। ये देखो परफेक्टली जो यहाँ पे वर्क करने लगता है अच्छी तरीके से। एंड आप लोग और भी कस्टमाइजेशन इसके साथ यहाँ पे कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कलर चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से कलर चेंज करके इसको डार्क करके आप लोग इस तरीके का क्रेजी लुक पा सकते हो। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अगर यहाँ पे कस्टम वॉलपेपर में टैप करूं तो यहाँ पे देखो आप लोग इस वॉलपेपर को नीचे भी ले जा सकते हो, जो कि इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कितना नीचे यहाँ पे आपका जो टाइमिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि डेप्थ इफेक्ट आप लोग और भी इंक्रीज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पे क्रेजी लुक देखने को मिल जाएगा। स्वाइप करके इजिली फोन को यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो, डार्क मोड लाइट मोड दोनों के साथ इसको यहाँ पे यूज कर पाओगे। अब एंड द एट द लास्ट पॉइंट यहाँ पे बसता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार के लिए मैंने एक थीम डाउनलोड करवाया था, जो कि आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे देखो कि ये थीम है जो कस्टमाइज बार के लिए, तो आपको क्या करना होगा, मीकी नाम का एक थीम है, इसको यहाँ पे डाउनलोड करवाया था मैंने अभी कुछ देर पहले स्टार्टिंग में दिखा दिया था। यहाँ पे आ जाना स्टेटस बार पे एंड यहाँ पे मीकी वाले थीम को सबसे लास्ट में एंड द लास्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सबसे लास्ट में इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना। अब अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो आपका बैटरी आइकन भी चेंज हो जाता है एंड ये पूरा पर आपको आईफोन जैसा लुक देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपका फोन 4G है तो 4G सपोर्ट करेगा, 5G है तो आपको मे बी 5G भी शो करा सकता है। एंड अब यहाँ पे देखो डायनेमिक आइलैंड बच जाता है, तो डायनेमिक आइलैंड के लिए क्या करना होगा, आपको अपने म्यूजिक प्लेयर में म्यूजिक प्ले करना होगा। जो भी आप लोग यहाँ पे देखो, हमने जैसे म्यूजिक प्ले किया यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड शो होने लगता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड ऐसी सेम हमारा जो लोकेशन है, लोकेशन पर भी डायनेमिक आइलैंड आपको शो होने लगेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड एक्चुअली में वर्किंग करते हुए देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो, तो सारी कस्टमाइजेशन आपके सामने यहाँ पे निकल के आ जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देखो एंड द लास्ट आपको इस तरीके से इनको कस्टमाइज कर देना है, जो कि आपको एकदम प्रॉपर आईफोन वाली लुकिंग आपके फोन में रेडी हो जाती है। एंड इस तरीके से आप अपने फोन में यहाँ पे आईफोन वाली फील ले सकते हो MIUI थीम के साथ। तो वीडियो पसंद आई है तो जैसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट यही कहना चाहूंगा कि ये छोटी कस्टमाइजेशन वाला थीम थे, जो कि आप लोगों को मे भी कम पसंद आया होगा, तो जैसे वेट करना एंड चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को इससे भी इंटरेस्टिंग सेटअप ये बोल सकते हो वीडियो मिलती रहे। एंड सो मेरे रेडमी या पोको का फोन है, जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जितने के लिए जय हिंद जय भारत।